जेल से बाहर निकलने के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस बार उन्होंने राहुल गांधी को सच्चा दोस्त बताया, जबकि भाजपा के नेताओं पर निशाना साधा है। राउत ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोस्त की तरह जुड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन जब मैं जेल था तो वो खुश थे। ये मुगल काल की राजनीति है, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद कहा कि हम आपकी भलाई के बारे में चिंतित हैं, आप अपना ध्यान रखें, हम फिर से मिलकर काम करेंगे। राउत के इस बयान के बाद ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत ही प्यार से बात हुई हमारी, राहुल जी ने कहा कि हम सबको आपकी चिंता रही हमेशा, अब आप आए हैं तो ठीक रहिए और हम फिर एक बार काम करेंगे। राजनीति में जिस प्रकार के एक बिटरनेस आया है आज, दोस्त भी भाग जाते हैं ऐसे समय में, तो राहुल जैसी एक व्यक्ति है राजनीति में जो राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद वो रिश्ता कायम रखते हैं दोस्ती का, प्यार का, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है पूरे देश में, इसीलिए है कि प्यार से देश जोड़ने की बात चल रही है। और मैंने कल देखा राहुल जी के बातों में जो मिठास और जो प्यार था, और जो बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा हो, जो भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ जुड़ रहे हैं, उसका कारण है कि उन्हें लगता है कि हमारा राहुल है, राहुल जी नहीं है, राहुल साहब नहीं। ये बड़ी बात होती है कभी भी राजनीति में। तो इसलिए मैंने लोगों को बताया कि राजनीति में ऐसे भी लोग हैं, नहीं तो आज महाराष्ट्र के राजनीति में सभी पार्टी में हमारे दोस्त हैं, कभी ना कभी हम एक दूसरे के साथ काम भी किया है, लेकिन कितने लोगों ने पूछा कि आप कैसे हो। लेकिन हमारे मित्र तो बीजेपी में भी है, वो तो खुश रहे हम भी।